स्वागत है आप सबका कोकीज किचन में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 10 डे स्पेशल टेस्टी एंड यमी मैंगो वेलवेट केक। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैंगो वेलवेट केक। इस केक में मैंने व्हिप क्रीम यूज़ नहीं किया है फ्रॉस्टिंग के लिए, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए देखने के लिए कि मैंने इस केक को किस तरह से बनाया है। बहुत ही स्पंजी बनी है और टेस्टी बनी है, बेकरी से भी बहुत ही टेस्टी बनेगी हमारी ये केक। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं दोस्तों। केक बनाने के लिए पहले मैंने यहाँ कढ़ाई को प्रीहीट करने के लिए रख दिया है। 5 मिनट के लिए इसे हम प्रीहीट कर लेंगे और इस केक टिन को पहले ग्रीस कर लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल डालकर इसे ग्रीस कर लेते हैं। आप चाहे तो बटर पेपर भी लगा सकते हैं। चारों ओर इवेनली स्प्रेड कर देंगे। 1 टीस्पून जितना आटा ले लिया है मैंने मैदा, इसे हम टिन को डस्ट कर लेंगे। इवेनली स्प्रेड करना है हमें, जो एक्सेस अमाउंट का आटा है उसे हम हटा देंगे। टिन को रखते हैं साइड पर। ब्लेंडिंग जार में हम 1 कप मैंगो लेंगे। मैंने यहाँ अल्फेंजो यूज़ किया है, आप कोई भी क्वालिटी का आम ले सकते हैं। मीठा होना चाहिए, राइप होना चाहिए और बढ़िया सा कलर होना चाहिए ताकि हमारे केक में बढ़िया सा कलर आए। इसके साथ ही हम मेजरिंग कप से 1/2 कप इसमें चीनी ऐड कर देंगे। इसकी बढ़िया सी क्यूरी बना लेते हैं। क्यूरी हमारी रेडी है, इसे शिफ्ट कर लेते हैं बाउल में। देख पा रहे हैं आप, बिल्कुल लम्स फ्री है ये, बिल्कुल लम्स नहीं होने चाहिए। इस तरह से हमें इसे ब्लेंड करना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप अनफ्लेवर्ड ऑयल या फिर बटर या घी ले सकते हैं आप। यहाँ मैंने 1/4 कप घी लिया है, इसे ऐड कर देते हैं। साथ में हम वनीला एसेंस डाल देंगे 1/4 टीस्पून। चलिए बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। देखिए सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसमें हम शिफ्ट करेंगे मैदा या गेहूं का आटा भी आप ले सकते हैं। यहाँ मैंने 1 कप मैदा और 1/4 कप मैदा डाल देंगे इसके अंदर। इसके साथ ही ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। वन टीस्पून बेकिंग पाउडर, 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से बढ़िया सा टेक्सचर आएगा और टेस्ट भी बहुत ही एनहांस होगा। सारी चीज़ें हम छान लेते हैं। अब हम सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। एक ही डायरेक्शन में इसे मिक्स करना है। देखिए अभी थोड़ा सा हार्ड है हमारा केक बैटर। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा दूध, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है हमें। यहाँ 2 टीस्पून मिल्क ऐड कर रही हूँ। और थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे 3 टीस्पून जितना, मैं यहाँ फिर से ऐड कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा पतला रहेगा तो केक हमारा फूल कर बैठ जाएगा, इसलिए ध्यान रखना है हमें बैटर की कंसिस्टेंसी का। देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख पा रहे हैं, बस इसी तरह होनी चाहिए, ज़्यादा पतली नहीं चाहिए हमें। चलिए रेडी है बैटर, इसे शिफ्ट करते हैं केक टिन में। बैटर को शिफ्ट कर लिया है केक टिन में, चलिए इसे बेक कर लेते हैं। कढ़ाई हमारी प्रीहीट हो चुकी है, चलिए इसमें हम केक टिन को रख देते हैं। स्लो फ्लेम पे इसे 35-40 मिनट्स तक बेक करेंगे। इस केक में हम यूज़ करेंगे फ्लोर फ्रॉस्टिंग, तो इसके लिए मैंने यहाँ लिया है 3 टेबलस्पून मैदा, 1 कप दूध, 1/4 कप है चीनी, 1/2 चम्मच है वनीला एसेंस। चलिए इसे एक सॉस पैन में डाल लेते हैं। सॉस पैन में हम ऐड करेंगे 1 कप दूध, 1/2 कप चीनी, 3 टेबलस्पून मैदा, 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस। मिक्सचर को बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। सॉस पैन को मैंने गैस पर चढ़ा लिया है। बढ़िया से मिक्स करने के बाद चलिए इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे ताकि ये तले में चिपके नहीं।
इसे कुक होने में करीब 2 मिनट लगेंगे। 2 मिनट में मिक्सर गाढ़ा हो जाएगा और कुक हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मिक्सर हमारा गाढ़ा हो चुका है, बस इस स्टेज पर हमें फ्लेम ऑफ करना है। इस मिश्रण को निकालेंगे बॉल में। फ्रॉस्टिंग को यहाँ मैंने निकाल लिया एक बॉल में। चलिए इसे आने देते हैं रूम टेम्परेचर पर। जब तक हमारा केक बेक हो रहा है, हमारा फ्रॉस्टिंग ठंडा हो रहा है, तब तक मैंने यहाँ अमूल बटर को बाहर निकाल लिया है फ्रिज से। 100 ग्राम्स बटर लेना है हमें, फ्रॉस्टिंग में यूज़ करना है इसे। चलिए चेक कर लेते हैं। वाओ, कितना बढ़िया गोल्डन कलर आ चुका है, देख पा रहे हैं अब साइड्स में भी कितना बढ़िया कलर आ चुका है। हमारी केक बेक हो चुकी है। चलिए नाइफ की मदद से इसे चेक कर लेते हैं। लीजिए, नाइफ हमारा बिल्कुल क्लीन है, केक हमारी बेक हो चुकी है। चलिए इसे कढ़ाई से हम निकाल लेते हैं बाहर और ठंडा होने देते हैं। फ्रॉस्टिंग के लिए हम बटर एक बॉल में डाल देते हैं। बटर को शिफ्ट कर लेंगे एक बॉल में। विस्कर की मदद से इसे विस्क करेंगे। हल्का सा लाइट और फ्लफी होने तक इसे विस्क करना है। क्रीम हमारा लाइट और फ्लफी हो चुका है, देख पा रहे हैं आप। अब इसमें हम फ्रॉस्टिंग ऐड करते हुए इसे बीट करेंगे। 2-2 टेबलस्पून फ्रॉस्टिंग हमें ऐड करना है। ठंडा हो चुका है फ्रॉस्टिंग, थोड़ा थोड़ा करते हुए हमें इसे बीट करना है। सारा एक साथ हमें ऐड नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा करते हुए ऐड करेंगे और इसे बीट करेंगे। हमने यहाँ रेडी कर लिया है फ्लोर फ्रॉस्टिंग, बिल्कुल रेडी है। इसे हम अप्लाई कर सकते हैं केक के ऊपर। केक ठंडा हो चुका है, चलिए इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। बिल्कुल स्पॉन्ज केक हमारी रेडी हो चुकी है, देख पा रहे हैं आप कितना स्पंजी है। चलिए इसका ऊपर का लेयर हम पहले जो अनइवन है उसे कट कर लेंगे। नाइफ की मदद से जो हम अनइवन पार्ट है इसे हटा देंगे। देख पा रहे हैं आप कितनी स्पंजी बनी है हमारी केक। इस पार्ट से हम क्रम्स बना लेंगे, जैसे हम ब्रेड क्रम्स बनाते हैं। इसे डाल देते हैं ब्लेंडिंग जार में। अब इस केक को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। देखिए अंदर से आप देख पा रहे हैं कितनी चाली पड़ी है हमारे केक में, बहुत ही स्पंजी बनी है। चलिए इसके ऊपर हम फ्रॉस्टिंग शुरू करते हैं। जो ऊपर का हिस्सा केक का निकाला था इस तरह से पीसेस करके डाल दिया है, बस इसे एक बार हम चर्न कर लेंगे, क्रम्स रेडी हो जाएंगे। चलिए हमारे केक के क्रम्स रेडी हो चुके हैं, इसे रखते हैं साइड पर। फ्रॉस्टिंग हमारा रेडी है, इसे मैंने 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था, देख पा रहे हैं आप बिल्कुल सेट हो चुका है ये। चलिए अब लगा देते हैं केक के ऊपर। स्प्रेड कर लेंगे इसे। बिना व्हिप क्रीम भी आप बढ़िया से इस तरह से फ्रॉस्टिंग बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है हमारा ये केक। इसके ऊपर आप चाहे तो थोड़े से मैंगो के पीसेस भी डाल सकते हैं और फिर से फ्रॉस्टिंग लगा सकते हैं। चलिए अब हम दूसरा लेयर इसके ऊपर लगा देंगे। इसके ऊपर भी हम बढ़िया से फ्रॉस्टिंग लगा देंगे। केक की साइड्स में भी हम सारा फ्रॉस्टिंग लगा देते हैं। लीजिए फ्रॉस्टिंग हमने चारों ओर इवेनली स्प्रेड कर लिया है, ज़्यादा स्मूथ करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर हम स्प्रेड करेंगे केक क्रम्स। क्रम्स हम इवेनली इस तरह से स्प्रेड कर देंगे, पूरी केक के ऊपर लगाना है हमें। साइड्स में भी हमें इसे लगाना है। इस तरह से सारा केक डेकोरेट कर देंगे। देखिए हमारी मैंगो वेलवेट केक बिल्कुल रेडी है। क्रम्स को हम हल्का हल्का सा इस तरह से स्पून की मदद से प्रेस कर लेंगे। चलिए अब इसे डेकोरेट कर लेते हैं थोड़े से मैंगो पीसेस से। इस तरह से सर्कल में हम इसे रख देंगे। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट से भी इसे सजा सकते हैं।
ये मदर्स डे स्पेशल मैंगो वेलवेट केक बिल्कुल हमारा रेडी है। आज की रेसिपी देखिए, केक को मैंने इस तरह से सजा लिया है मैंगो पीसेस से। चलिए केक को डेकोरेट करते हैं। मैंने चॉकलेट को मेल्ट करके इस तरह से हार्ट बनाया है। थोड़े से ड्राई फ्रूट से भी इसे सजा देते हैं। रेडी है हमारी मदर्स डे स्पेशल मैंगो वेलवेट केक। तो चलिए इसे कट कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल बेकरी से भी बहुत ही टेस्टी और फ्लफी बनी है हमारी केक। चलिए कट कर लेते हैं। घर पर इस तरह से आप बनाइए स्पंजी केक, बहुत ही बढ़िया बनेगी। आप कब बना रहे हो जरूर कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स। देखिए हमारी टेस्टी केक बिल्कुल रेडी है, देख पा रहे हैं आप, बिल्कुल बेकरी स्टाइल हमारी केक बनी है। तो आज की ये रेसिपी कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइए दोस्तों। देखिए देख पा रहे हैं आप, इसका स्पॉन्ज बिल्कुल बेकरी स्टाइल बनी है हमारी टेस्टी मैंगो वेलवेट केक। जरूर बनाइए आप भी इस तरह से और कमेंट करके बताइए मुझे आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी दोस्तों। तो मिलते हैं ऐसे ही बढ़िया मज़ेदार रेसिपी लेकर आऊँगी मैं आपके लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।